finishes off in style. एक किसी क्रिकेट खिलाड़ी के लिए उसका सबसे बड़ा सपना क्या होता है कि वह वनडे विश्व कप में खेले और अपने टीम के लिए वह विश्व कप जीते। लेकिन भारत में एक ऐसा भी खिलाड़ी हुआ जो साल 2011 के वनडे विश्व कप में खेले और फाइनल में विनिंग टीम का हिस्सा भी रहे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इस खिलाड़ी को वह सब नहीं मिल पाया जिसका वह हकदार था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल की। आज के इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे पटेल हिम्मत तोड़ देने वाली गरीबी से लेकर वर्ल्ड कप तक का अपना ड्रीम पूरा किया और फिर ना जाने कहां खो गया। उनके टेस्ट वनडे और आईपीएल से लेकर आजकल वह कहां है, इन सब टॉपिक पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। मुनाफ पटेल का जन्म 12 जुलाई 1983 को गुजरात के भरूच जिले के इकहर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मूसा पटेल और मां का नाम साइदा पटेल है। वो काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, इतना गरीब कि एक समय ऐसा भी था जब उनके पास दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। मुनाफ पटेल को क्रिकेट खेलने का शौक था और वह तेज़ गेंदबाजी करते थे, इतना तेज कि उस इलाके में उनका नाम हो गया। उतनी दूर में मुनाफ से ज़्यादा तेज़ गेंद फेंकने वाला कोई था ही नहीं। अपने स्कूल के दिनों में मुनाफ अपने घर के बगल में ही एक मार्बल फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, इससे उनके घर का खर्चा चलता था। लेकिन धीरे धीरे मुनाफ का गेंदबाजी निखरता गया और अब पूरे भरूच में उससे तेज गेंद फेंकने वाला कोई नहीं था। उस एरिया में वो एक अच्छे नाम वाले गेंदबाज बन गए थे। ऐसे ही एक मैच में खेलते हुए किसी ने उनको देखा और यह बात पहुंचाई किरण मोरे के पास। यह साल 2003 चल रहा था। उस समय किरण मोरे टीम इंडिया के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे। बिना किसी स्टेट टीम के ओर से खेले ही किरण मोरे ने मुनाफ पटेल को चेन्नई के एमआरएफ पेस फाउंडेशन में भेज दिया। वहां पर पेस फाउंडेशन में अपनी धारदार गेंदबाजी के वजह से वह सचिन तेंदुलकर की निगाहों में आ गए और सचिन ने उनको मुंबई के ओर से खेलने का न्योता तक दे डाला। सचिन की बात नहीं काटी जा सकती थी, इसीलिए साल 2003 से मुनाफ मुंबई की टीम के लिए खेलने लगे। इसके बाद साल 2005 में विजिटिंग इंग्लैंड के खिलाफ बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के ओर से खेलते हुए मुनाफ ने 10 विकेट झटके। इसका पुरस्कार उनको मिला साल 2006 में टेस्ट डेब्यू के रूप में। साल 2006 में इंग्लैंड की टीम एक बार फिर से इंडियन टूर पर आई थी। इस टूर का दूसरा मैच मोहाली में 9 मार्च से शुरू हो रहा था। इसमें मुनाफ को डेब्यू करने का मौका मिला और उसने पूरे मैच में 97 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किए। यहाँ पर लग गया था कि टीम इंडिया को एक और नया फास्ट बॉलर मिल गया है। इसी साल भारत की टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर गई जहां मुनाफ को टीम में रखा गया था। अपने लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटा वाले स्पीड से बॉल डालकर तबाही मचा दिया था। ब्रायन लारा जैसे बल्लेबाज उनको आसानी से नहीं खेल पा रहे थे, यही तो उपलब्धि थी मुनाफ पटेल की। लेकिन मुनाफ पटेल के साथ भी वही हुआ जो हर तेज गेंदबाज के साथ होता है, वो लगातार चोटों से परेशान रहे और टीम से अंदर बाहर होते रहे। इसके बाद वो मलेशिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ DLF ट्रॉफी में भी खेले जहां उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। फिर साल 2006 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको खेलने का मौका मिला, लेकिन टीम इंडिया इस बार सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। हालांकि उस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए मुनाफ पटेल 18 रन देकर 3 विकेट लिए थे और टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। उस मैच में वह मैन ऑफ द मैच रहे थे। अब बारी थी 2007 के वनडे विश्व कप की। साल 2007 का विश्व कप भारत के लिए किसी बुरे सपने के जैसा था। अपने पहले ही मैच में बांग्लादेश जैसी टीम से हार कर इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। इसके बाद सभी इंडियन प्लेयर्स को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इस विश्व कप में मुनाफ क्या, किसी के लिए कुछ भी करने को नहीं था। इसके बाद मुनाफ कुछ एक मैचों में और खेले, उनके हिस्से में टेस्ट से ज़्यादा वनडे आया। मुनाफ की ग्रोइन इंजरी ने उनको सबसे ज़्यादा परेशान किया और कभी भी लगातार टीम का हिस्सा नहीं रहने दिया। यही वजह रही कि वह लगातार टीम से अंदर बाहर होते रहे और
और इस कड़ी में आ गया साल 2011 का वनडे विश्व कप। मुनाफ पटेल को इस बार भी टीम में जगह मिली। इस वर्ल्ड कप में युवराज और जहीर खान के बाद सबसे ज्यादा 11 विकेट लेने वाले गेंदबाज मुनाफ पटेल ही थे। मुनाफ ने आते ही इंडियन बॉलिंग को एक मजबूती दी। वो खुद को समझते थे और उन्हें अपनी कमजोरियां और ताकत मालूम थी। मुनाफ पटेल ही वो वजह हैं जिसके कारण जहीर खान को फ्री होकर गेंद फेंकने को मिल रही थी। उन्हें रन लुटवाने की परवाह किए बिना विकेट लेने पर फोकस करने को मिल रहा था। अक्सर गेंदबाज पर विकेट लेने के साथ ही रन रोकने का भी दबाव होता है, लेकिन एक ओर से जब मुनाफ बॉलिंग कर रहा हो और रन रुके हुए हो तो विकेट निकल ही आता है। वर्ल्ड कप 2011 में अगर इंडिया ऐसा कर पा रही थी तो वजह थे मुनाफ पटेल। युवराज सिंह ने भले ही इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हों, लेकिन वो तब भी पार्ट टाइम बॉलर ही थे और ऐसे में पार्ट टाइमर्स को उनकी आजादी देने वाले भी मुनाफ पटेल ही थे। उनके ओवर्स में रन नहीं बन पाना अगली टीम को परेशान कर देती थी। ऐसे में किसी नए गेंदबाज को देख उसके ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के चक्कर में बैट्समैन अपनी विकेट गंवा देते थे। इसी का फायदा युवराज सिंह और जहीर खान ने खूब उठाया। मुनाफ पटेल 2011 के विश्व कप में बांग्लादेश, इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी किए और अपनी जगह फाइनल में फिक्स कर लिए। हालांकि फाइनल में उनको विकेट नहीं मिला, लेकिन उनका इकोनॉमी कमाल का रहा था। विश्व कप जीतने के बाद टीम इंडिया अगस्त के महीने में इंग्लैंड के दौरे पर गई, जो मुनाफ का आखिरी सीरीज साबित हुआ। मुनाफ के करियर में 13 टेस्ट और 17 वनडे मैच आए। अगर IPL की बात करें तो मुनाफ की शुरुआत हुई थी IPL के शुरुआती सीजन में राजस्थान रॉयल्स की ओर से। वह राजस्थान के लिए 3 साल तक खेले और फिर साल 2011 में वह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए। साल 2013 तक मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले मुनाफ को साल 2014 में किसी ने नहीं खरीदा। वो निराश हो गए। उनकी निराशा 2 साल तक और चली और फिर साल 2017 के ऑक्शन में गुजरात लायंस ने उनको अपनी टीम में शामिल किया। फिर उसके बाद उनको कभी भी खेलने का मौका नहीं मिला। मुनाफ पटेल इस बात को अब समझ चुके थे कि वो शायद अब कभी भी इंडिया की उस नीली जर्सी पहनकर मैदान में नहीं उतर पाएगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि नवंबर 2018 में मुनाफ पटेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इसके बाद साल 2019 के वर्ल्ड कप में वो एक टीवी चैनल पर एक्सपर्ट के रूप में भी दिखे थे। इसके बाद साल 2020 में वह श्रीलंका प्रीमियर लीग के एक टीम कैंडी टस्कर्स में शामिल हुए। अगर मुनाफ पटेल के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी बीवी का नाम तस्लीमा पटेल है और इस कपल को एक बेटा भी है। दो दो वर्ल्ड कप खेलने वाले, एक जीतने वाले और एक IPL ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी मुनाफ पटेल आज उतने बेहतर परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि चोट ने उनको खूब परेशान किया। मुनाफ आज भी अपने गाँव से जुड़े हुए हैं और अक्सर वहाँ पर जाते रहते हैं। तो यही थी मुनाफ पटेल की पूरी कहानी। आशा करते हैं यह आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी बात हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और क्रिकेट के दुनिया के ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें। थैंक यू सो मच।